फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आप लोगों के लिए, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो आदेश आया है वो हमारे जो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स में यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट टेल्स सीबीएसई टू कंसिडर स्क्रैपिंग ऑफ रिमेनिंग एग्जाम एंड अलॉट मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एसेसमेंट। ओके, तो जो भी आपके इंटरनल मार्क्स थे, इंटरनल जो भी ओवरऑल के मार्क्स होंगे, असाइनमेंट जो भी दिए होंगे आपको, उसके बेसिस में आपको जो है आपको पास किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश था, ओके, उसके रिट्वीट में हमारे जो वर्षा गायकवाड है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया है। एंड वहाँ पर आर्टिकल्स में ये भी लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड सीबीएसई to consider scrapping of remaining papers of boards exam and to allot marks on the basis of internal assessment। तो आइए हम देखते हैं कि वर्षा गायकवाड़ ने क्या ट्वीट किया इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आइए देखते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने क्या कहा है। Our Department of School Education had intimated to CBSE or ICSE boards on 3rd June to not conduct the July exam considering the well-being of our student. This was validated today when SC Supreme Court of India told CBSE to consider scrapping the pending 10th and 12th exams by allotting marks based on internal assessment। तो देखते हैं, हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Our Department of School Education had intimated to CBSE ICSE board on 3rd June not to conduct on July। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्कूल एजुकेशन विभाग ने 3 जून को CBSE ICSE बोर्ड को सूचित किया था, बताया था कि हमारे छात्र मतलब हमारे स्टूडेंट की भलाई को देखते हुए जुलाई की परीक्षा आयोजित ना की जा सके। तो ये तब फिर इसके बाद जो है लिखा हुआ है, व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टोल्ड CBSE टू कंसिडर स्क्रैपिंग ऑफ पेंडिंग 10th एंड 12th एग्जाम बाय अलॉटिंग मार्क्स बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट। तो इसके आगे ये है कि ये तब मान्य किया गया था जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा था कि वो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को आंतरिक आधार पर, अंकों के आधार पर रद्द कर दें। तो ये था हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ ने ये ट्वीट किया था। तो और अगर आपको कुछ डाउट है एंड ICSE बोर्ड के लिए अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया फ्रेंड्स, अगर जो भी मुझे अपडेट आता है, ऑफिशियली अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, एंड फ्रेंड्स, जो आपके जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले थे उसी के एग्ज़ाम जो बचे हुए पेंडिंग एग्ज़ाम है, स्क्रैपिंग ऑफ रिमेनिंग एग्ज़ाम, उसी के आपके जो अलॉटमेंट एग्ज़ाम बाय अलॉटिंग मार्क्स बेस्ड ऑन इंटरनल मार्क्स। ओके, सो आपके दोस्तों में ये चीज़ को शेयर करिए और आप जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के रिलेटेड मिलते रहे। थैंक यू सो मच।